बाबूजी, आप लोगों के बीच में ये जो मैं ऑडियो कैसेट के रूप में सुपर कैसेट टी सीरीज से भेज रहा हूँ, ये एक बहुत ही दर्दनाक घटना है। आज फिलहाल वर्तमान स्थिति में ये चर्चा का विषय बना हुआ है। गौर करेंगे, कांड तमाम आप लोग सुनते हैं, लेकिन ये गीत एक महापुरुष के श्रद्धांजलि के रूप में आप लोगों के बीच में मैं ऑडियो कैसेट के रूप में भेज रहा हूँ। गौर करेंगे, ये गाथा किसकी है बाबू, कहानी किसकी है? चार लाइन कवि जी ने अपनी कलम से लिखा है भूमिका के रूप में, कहना है कवि का क्या कि जब उदित हो अरुण व्योम में बढ़ चले तब क्षितिज पर बिखर जाती है लालिमा, लाख रोके हिमालय और रुकता नहीं, अस्त होते पसर जाती है कालिमा, जो फुलासों फरा जो फरासों झरा, जिंदगी मौत का है यही कारवा, शोक में थी कली था शोका कुलयली, बाग को छोड़ कर जब चला बागवान। निर्गुणी पक्ष, वहां बड़ी अच्छी बात लिखल गई निर्गुणी पक्ष में, एक लाइन तरजबा का मास्टर प्राकृत का नियम है कि जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला। लेकिन मेरे तरफ से कहना है, जहां भी वो मृत आत्मा हो जिसकी गाथा है, उस मृत आत्मा के लिए कहना है क्या, कि सच्ची श्रद्धांजलि सुन ले परमात्मा, सच्ची श्रद्धांजलि सुन ले परमात्मा, शांति देना जहां उनकी हो आत्मा, शांति देना जहां उनकी हो आत्मा, सच्ची श्रद्धांजलि हमरे कहानी का। जैसे फूल अपनी खुशबू छोड़ जाता है, जैसे फूल अपनी खुशबू छोड़ जाता है, वैसे आदमी के कीर्ति बस गवाता है, कहानी कहवा कहवा कि पूर्वी यूपी में मशहूर गाजीपुर जिला, पूर्वी यूपी में मशहूर गाजीपुर जिला, करीमदीनपुर थाना गांव गोड़ऊर मिला, पिता जगन्नाथ राय जी का प्यार खिले, माता लालिता के गोद का दुलार मिले, छोट
ता परिवार केवल चार ठो संतान रहे, श्याम नारायण राम नारायण राय सुजान रहे। कृष्णानंद राय भाइयों में छोटे थे, कृष्णानंद राय भाइयों में छोटे थे, स्वर्ग सिधार गई माँ बिलख के रोते थे। तनी बात समझ ल भैया, गाजीपुर जिला में गणौर गांव प्रसिद्ध गांव बा, वही गणौर गांव के रहे वाला जगन्नाथ राय जी बड़ा खुशहाली से जिंदगी बीतत बा। जगन्नाथ राय जी के पत्नी का नाम लालिता राय, बड़ा हंसी खुशी से दिन बीतत बा। भगवान उनके गोद में बाबूजी चार संतान दिहलन, तीन बेटा एक बेटी, जेवना में सबसे बड़ी बेटी आ बेटी के बाद तीन गो बेटा। तो गौर करिहन तारा राय बड़ी बिटिया है, ओकरा बाद श्याम नारायण राम नारायण और सबसे छोटा कृष्णानंद राय। लेकिन संजोग देखें, कृष्णानंद राय के जन्म भइल ठीक 6 महीना गुजरले के बाद आखिरकार मतारी जोन लालिता राय रहली ये दुनिया के छोड़ के चल दिली। बड़ी बहन जो तारा राय है अब तीनों भाइयों को माँ का भी प्यार देती थी और बहन का भी दुलार देती थी। माई और बहन दोनों के दुलार प्यार वही बड़ी बहन से मिले लागल। लेकिन समय धीरे धीरे और आगे बढ़ल भइल का कि दीदिया के प्यार दिहली माई के दुलार बड़ बहिनिया हो। गोदी में खेलावें बहिन कभी प्यार मिलत बा मतारी कभी प्यार उ बहिन देत बाड़ी तारा राय। मगर माई के याद जब बबुआ के आवे, अरे गोदी में उठा के गाके लोरिया सुनावे, भाई और कुछ अब स्कूले जाए लायक हो गेलन। तब ओ समय उ बहिन का करें कि नहाई धोआई नित भेजे सकुलिया, अब पढ़ी लिखी तीनों भाई सीख ले अकेले।
खेतवा बाधार बड़ बहिनिया हो रुटी गई लन काहे करतार बड़ बहिनिया हो। तारा राय के देख रेख में वो तीनों भाई धीरे धीरे जवानी के दहलीज पर आए। आ जब तब जवानी के दहलीज पर अलन जब उनकी सबसे छोट भाई कृष्णानंद राय कहल जला कि हो नहार बलवान के हो त चिकने पात। दोनों भाई में तीसरा भाई जोन कृष्णानंद राय रहलन सबसे छोट बड़ा होनहार निकलन हम। कैसो कैसो इंटर पास कैलन आ जब बीए ग्रेजुएट करे खातिर वहाँ से चलन हम। लेकिन कहाँ चलन भैया कहाँ अलन कहल गई कि अरे बबुआ बनारस में जाई कैले कृष्णानंद राय कि बबुआ बनारस में जाई कैले बीए की पढ़ाई। बबुआ बनारस में जाई कैले बीए की पढ़ाई। बीएचयू में नाम लिखवले छात्र संघ में हाथ बटवले। बीएचयू में नाम लिखवले छात्र संघ में हाथ बटवले। बीएचयू में नाम लिखवले छात्र संघ में हाथ बटवले। कैली राजा नीति धराई कैले बीए के पढ़ाई। कैले राजा नीति धराई आखिरकार बीए में बीएचयू में एडमिशन कृष्णानंद राय जी का यहाँ बनारस में हुआ। बाबा लड़कन के संग सोबत मिलल बा। जब छात्र संघ के चुनाव भइल बा तो खुल के मैदान में कृष्णानंद राय जी अइलन और अपना कैंडिडेट के जितौलन। वहीं से राजनीति की इन्हें लत लगी। धीरे धीरे समय कुछ दिन और गुजरल। अब जोन बड़ी बहन बाड़ी उनकर उस शादी करे के जोग हो गई बाड़ी। आज बाबूजी उनकर शादी का दिन बा। तीनों भाई अपने बहन का विदाई करत हुन। कवि जी बात लिखलन है का बहना के शादी हो गईली बक्सर पांडे पार्टी आईली। बहना के शादी बहना के शादी हो गईली बगसर पांडे पार्टी आईली। रोवे टुअरा बन के भाई कैले हो रोवे टुअरा बन के भाई कैले बीए के पढ़ाई। रोवे टुअरा बन के भाई कैले बड़ी बहन जो है बाबूजी ससुराल चल देती है। तीनों भाई आज रोत हुन बहन का विदाई करत हुन कि जवन बहन माई के और बहन के दोनों दुलार देले रहलिन आज घर छोड़ के ससुराल की ओर चलिन हम। आखिरकार ओ बहन के शादी भइल बक्सर पांडे पट्टी में। आज पांडे पट्टी ससुराल में गइलिन हम। एहवर कृष्णानंद राय अपन पढ़ाई भी चालू कैलन राजनीति भी शुरू कर दिहलन। अंजाम निकलल का बाबूजी बात मिलल। धीरे धीरे कृष्णानंद भी जवानी के दहलीज पर अलन हाँ। आ कृष्णानंद राय जी का शादी भयल। लेकिन उनकर शादी केकरा से भइल बाबू कि बाजल बधाई ता भइली सगैया। बाजल बधाई आता भैली सगैया। बाजल बधाई आता भैली सगैया। बाजल बधाई आता भैली सगैया।
अलकराय बनी ऐली लुगैया, अलकराय बनी ऐली लुगैया, अलकराय बनी ऐली लुगैया, बाजल बधैया ता भैली सगैया, अलकराय बनी ऐली लुगैया, प्रवीण पीयूष भैले हो, प्रवीण पीयूष भैले दोनों लाल प्रीत में, धीरे धीरे कूदी गैले राजनीत में, गरीबवन के बनलन चहेता, गांव के गरीबवन के बनलन चहेता, गांव के गरीबवन के बनलन चहेता, क्षेत्र के लोगवा कहे लागल नेता, क्षेत्र के लोगवा कहे लागल नेता, क्षेत्र के लोगवा कहे लागल नेता, कौवा जवारावा में बढ़ल बनौआ, सौ छानबे में लड़ले चुनौवा, कौवा जवारावा में बढ़ल बनौवा, 1996 में लड़ले चुनौवा, लेकिन हार गईले हो, लेकिन हार गईले दुनिया के रीत में, धीरे धीरे कूदी गईले राजनीत में, बात समझ ल बाबू जी। अलका राय दुल्हिन बन के अलिन हँ कृष्णानंद राय जी के, आ जब दुल्हिन बन के अलिन धीरे धीरे कुछ दिन और गुजल, कुछ दिन और गुजरल बा, आखिरकार कृष्णानंद राय और अलका राय के शरीर से दू बेटवा जन्म लिहलन, पहला लड़का का नाम प्रवीण, दूसर का लड़का का नाम पीयूष। लेकिन इनका राजनीति धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ल बे, आखिरकार बाबू देखें 1996 में इन्होंने चुनाव लड़ा, 1996 में चुनाव लड़ा, लेकिन खुदा न खास्ते बहुत कम वोटों से कृष्णानंद राय जी हार गए। फिर भी अपनी हिम्मत को नहीं हारे, राजनीति में संघर्ष करते रहे, समय धीरे धीरे आगे बढ़ा, 2002 का बारी आई, वो समय भइल का 2002 के चुनाव आइल निकट, मुहम्मदाबाद से मिल गई टिकट, मुहम्मदाबाद से मिल गई टिकट, मुहम्मदाबाद से मिल गई टिकट, भाजपा के भावी बन गई ले विधायक, 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 करेलन काम सब जनता के लायक, भाजपा के भावी बनी गईले विधायक, करेलन काम सब जनता के लायक, बड़ा काम कैले हो, बड़ा काम कैले गरीबन के हित में, धीरे धीरे कूदी गईले राजनीति, भी दिन आ गया 2002 में जब चुनाव आयल बाबूजी, भाजपा के सिंबल से मोहम्मदाबाद क्षेत्र से माननीय कृष्णानंद राय जी ने चुनाव लड़ा, और जब चुनाव लड़लन हाँ 7000 वोट से एवनी बारी जीत गईलन कृष्णानंद राय जी, आज जब जीत गईलन अपन कार्य क्षेत्र लंबा कैलन, काम करावे लगलन क्षेत्र में, दुनिया के पूरा मोहम्मदाबाद क्षेत्र के आखिरकार वो कृष्णानंद राय बाबूजी दुलरुआ बन गईलन, आ जब दुलरुआ बन गईलन मानिंद आदमी हो गईलन, समय धीरे धीरे आगे बढ़ल बाटे, आ जब समय धीरे धीरे आगे बढ़ल एक दिन उहो घड़ी आ गई, कवन घड़ी आइल बा बाबूजी, कि ग्राम सियाड़ी भावर कल थाना, एक ठाना
उद्घाटन करे अइले क्रिकेट के, 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 याद रहे बाबूजी 29 नवंबर के दिन आ गई 2005। 29 नवंबर के ग्राम सियाड़ी में भावरकोल थाना में एक गांव पड़ेला सियाड़ी, अब वही सियाड़ी गांव में टूर्नामेंट क्रिकेट के मैच होते रहे। कुछ लोग इनवाइट किए और कृष्णानंद राय जी बनारस से चल दिए। प्रमाण मिलता है बाबू कि जो उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, ड्राइवर स्टार्ट किया लेकिन वो कहने लगे कि नहीं ये गाड़ी मत ले चलो क्योंकि रास्ता बड़ी ही खराब है, गाड़ी वजनी है, क्वालिस गाड़ी से ही चल दिए। और दूसरी क्वालिस गाड़ी जो बुलेट प्रूफ नहीं थी, बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहने, साधारण वेशभूषा में चल दिए टूर्नामेंट का उद्घाटन करने के लिए। आज जब चलन है उद्घाटन करे, आखिर 10 बजे अइलन है ओ सियाड़ी गांव में क्रिकेट के उद्घाटन कैलन। आज जब क्रिकेट के उद्घाटन कैलन तो भइल का दर्शक के लागल बारे ला। उद्घाटन करे अइले क्रिकेट के, अइले क्रिकेट के, उद्घाटन करे अइले क्रिकेट के, ओ दर्शक के लागल बारे ला, दर्शक के लागल बारे ला, दू तीन घंटा देखलन खेला, उद्घाटन करे अइले क्रिकेट के, उद्घाटन करे अइले क्रिकेट के, आखिर विधायक जी कृष्णानंद राय जी सियाड़ी गांव में 10 बजे पहुंचे हैं 29 नवंबर को क्रिकेट का उद्घाटन किए। आज जब उद्घाटन कैलन है 2-4 घंटा आखिर वहाँ बैठलन है, क्रिकेट के मजा लिहलन, आनंद लिहलन, लड़कन के खेले वाला लड़कन के प्रोत्साहन कैलन। लेकिन जब ठीक जब 2:30 घड़ी में बजा है बाबू, कृष्णानंद राय जी ने सबसे सलाम दुआ किए और कहने लगे कि और हमें एक जगह जाना है, हमको आप लोग छोड़ दीजिए। सबसे विदाई लेकर के कृष्णानंद राय जी चल दिए बनारस के लिए। आज जब चलन है बनारस खातिर अंजाम निकलल का बाबू, कि सब ही के राम राम ए बाबू दुआ सलाम कई के, नेता जी की खुलाली सियाड़ी से गड़िया, बसनिया से आगे बढ़ल जगदीशपुर गांव पड़ल, रोडावा के आरी आरी लागल रहे झड़िया,
बसेनिया गांव से विधायक जी की गाड़ी आगे बढ़ी है। क्वालिस गाड़ी में बैठे थे बाबू, देखें और उनके साथ में लोग थे, लेकिन जो ही बसेनिया से गाड़ी आगे बढ़ती है, जगदीशपुर गांव की ओर चलती है, रोड के आरी आरी झाड़ी लगलबा, अचानक भइल का कि धड़ धड़ गोलिया धड़ धड़ गोलिया चलावे ततैया हो, राइट तीन बाही बजावत रहली घड़िया, तीन सौ राउंड फायरिंग कैले, सात लोग हलाल भइले, आ घायल अस्पताल गइले, चले जे कर नड़िया, झाड़ियों में कुछ अतताई छुपे थे बाबू, अचानक झाड़ियों से निकले हैं और माननीय विधायक जी के गाड़ियों के ऊपर गोलियों का बौछार कर दिए। वहां के देखने वाले प्रदर्शी लोग बताते हैं अंदाज से कि करीब करीब विधायक जी के गाड़ी पर 300 राउंड गोली चली। जितने लोग गाड़ी में बैठे थे, सात लोग, वहां का दृश्य ही एक अजीब हो गया। हाहाकार हाहाकार मच गया बाबू। वहां जो देखने गए लोग बताते थे, क्या कहल गईल, किसी न देखत डर लागे मोर भैया, सीन देखत डर लागे मोर भैया, खुनावा से धरती रा गायल हो, केहू मरल केहू घायल, मोर भैया थर का पे सभे ढार यसिया, थर का पे सभे ढार यसिया, थर का पे सभे ढार यसिया, पहचान पावे नहीं के हुलसिया, करे जवान निकल के ए भैया, केहू के करे जवान निकल के ए भैया, धरती ऊपर छित रायल हो, केहू मरल केहू घायल हो, सात लोग आठ लोग बैठे थे बाबू, लेकिन सात लोग घटना स्थल पर ही ढेर हो गए, सात लोगों की मौत हो गई। हाहाकार हाहाकार मच गया जिला जवार, पूरे उत्तर प्रदेश में, बिहार में हलचल मच गया। लोग जुट गए देखने के लिए कि अरे अभी तो विधायक जी यहाँ से क्रिकेट का उद्घाटन कर जा रहे थे, अचानक ये क्या हुआ। लोगों की भीड़ लगी, पुलिस वाले भी गए, लेकिन प्रमाण मिला है बाबू कि पुलिस वालों को लोग लाश तक छूने नहीं दिए, लाश के नज़दीक नहीं जाने दिए। अजब ना लोग जाए दिहलन, आखिरकार वहाँ से लाश उठा के गणौर गांव की ओर चलल बे।
जब सातों लाश उठावल गई आ सातों लाश विधायक जी के जन्मस्थली गणौर गांव की ओर चलल बे ओ समय का दृश्य का भइल है भैया। कवि जी लिखलन है का कि जब लाश उठल भैया जब लाश उठल भैया बिलखे धरती मैया रोवे बहिनी ओ भैया जैसे बारिश बदरिया लोगवा संगलू गैया लोगवा संगलू गैया बिलखे धरती मैया रोवे बहिनी सातों लाश उठा के गांव जवार के लोग गुणौर गांव की ओर चल दिया हलन भैया। सबके आंख से आंसू चलत बा हाहाकार मचल बा केहू रोत बा केहू चिल्लात बा अपने नेताजी खातिर। लेकिन उस समय का बात लिखल गई का कहल गई कि लसिया जब गुणौर के वो और चलल बाहो अरे लसिया जब गोड़ौर के वो और चलल बाहो सबही के अखिया में लोर भरल बाहो के खोतवा में मोर जरल बाहो
सबही के अखिया में लोर भरल बा हो। अरे सपना का खोतवा में मोर जरल बा हो, बाबू सपना का खोतवा में मोर जरल बा हो, सबही के अखिया में लोर भरल बा। आखिरकार रोवत बिलखत हाहाकार मचलबा, सब लोग गुणौर गांव में लाश के लेके गइलन हां। लाश पुलिस वाला उठावल चाहत हवन, लेकिन इतना लोग उग्र हो गई लहलन ए बाबू कि लाश पुलिस वालन के छुए तक ना दिहलन। लाश ना उठतबा, आखिर हाहाकार मचलबा। भाजपा दल में एक तरफ से बाबू सन्नाटा छा गई, एक तरह से सन्नाटा छवले बा। सब लोग जहाँ हुन वहीं से अवाक हुन कि आखिर अचानक ही भइल का, लेकिन नतीजा निकलल का भैया। कि विधायक साहब साथे विधायक साहब साथे सात लोग माराई गईले, विधायक साहब साथ सात लोग मराई गईले, सबही के जुटल परिवार जी। भूतपूर्व प्रमुख रमेश राय रामा शंकर राया, भूतपूर्व प्रमुख रमेश राय रामा शंकर राया, मुहम्मदाबाद घरावा दुआर जी। सरकारी गार्ड रहले निर्भय उपाधिया जी, सरकारी गार्ड रहले निर्भय उपाध्या जी, मुनाया तो ड्राइवर गैलन मार जी। प्राइवेट गार्ड आखी लेसराया मारल गैले, प्राइवेट गार्ड आखी लेसराया मारल गैले, यही रोवेलिया सुधार जी। बारे भगवान, क्या तेरी भी किताबों में यही लिखा था कि आज विधायक जी के साथ में, विधायक जी के संग में सात लोग मारल गईलन। भूतपूर्व प्रमुख रमेश राय, रामाशंकर राय मुहम्मदाबाद के रहे वाला, मुहम्मदाबाद क्षेत्र के में घर द्वार बा। सरकारी गार्ड निर्भय उपाध्याय, जो कि बाबू अपनी पिताजी के मरने के बाद अनुकंपा पर उस गार्ड की नौकरी मिली थी, माँ बाप का एक लौता लड़का था। अब वहीं साले डेढ़ साल तक गौना भैले भई लहले भैया, उ गार्ड भी मारल गईलन निर्भय उपाध्याय जी। मुन्ना यादव जवन कि हमरे विधायक जी का खास आदमी रहलन, ड्राइवर रहलन उनका गाँव के रह वाला, मुन्ना यादव भी मारल गईलन। प्राइवेट गार्ड अखिलेश राय मारल गईलन। आज जब अलका राय विधायक जी का पत्नी का पता चलल बनारस में कि आज इस दुनिया में मेरा सुहाग नहीं है, और रोती हुई बिलखती हुई पागलों की तरह गणौर गांव में जाती है और अपने पति की लाश को, जब विधायक जी की लाश को देखती है, कलाई की कंगन कलाई की चूड़ी को तोड़ डाली, और कलाई की चूड़ी तोड़ करके पति के लाश पर गिर करके वो औरत रो रही है बाबू। अलका राय रो के एक बात कहलिन हम, का कहलिन, यह निर्गुणी पक्ष दिहल गई कि के कराही रो वाले, के कराही रो वाले गंगा जी बढ़िया,
प्यारा हीरो वाले गंगा जी बढ़ी आईली के करा हीरो वाले जमुनावा हो के करा हीरो वाले धो ती के खूंट भी जले के करा हीरो वाले आचारावा हो अलकाराय विधायक जी की पत्नी अपने पति के लाश पर गिर करके रो करके यही कहती है कहा कहली ना कि टूटी गई ले से नूरा के टूटी गई ले से नूरा के सनावा सजाना फनावा जिंदगी के मटिया पहाड़ हो पैसे के तो के हो भाई हम का फनावा जिंदगी के मटिया बतौली बाबू विधायक जी के दो लड़का लड़का एगो कुछ ही दिन के बाद विदेश पढ़े वाला जाए वाला रहलन आज उ लड़का के जब पता चलल कि ये पापा हमार ए दुनिया में ना हुन उ लड़का रोत बिलखत आइल बा गाँव में आके अपने पापा के लाश पर विधायक जी के लाश पर गिर के आ रोत बा जब उनकी दुई चार पाँच दिन के बाद ओकरा विदेश जाए के रहे पढ़े खातिर उ लड़का रो के एक बात कहलन है का कि कैसे विदेश कैसे के दी पापा तोहे अग्निदानावा सुन सन लागे सनासार हो समझाने बुझाने के बाद बाबू गांव वालों में हिम्मत हुई परिवार में हिम्मत हुई लोगों ने लाश को उठाया और बनारस लेकर के जहां वो रह रहे थे उनके आवास पर लाश आई कृष्णानंद राय जी की। और जब बनारस में लाश आई है बनारस के लोग उतावले हो गए। आखिरकार बाबू हुआ क्या कवि जी टेरी के बात लिखलन है ए भाई अधिकार रति माई पपिया अब अधिकार धरती माई पपिया अपने आग लगा के अपने घर के जा रे आखिरकार भाजपा के लोग भाजपा के कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के लोग उतावले हो गए। और किए क्या बाबूजी?
सब लोग विकल हो निकल पड़े, कि सब लोग विकल हो निकल पड़े, ले लाठी डंडा हाथों में, सब लोग विकल हो निकल पड़े, ले लाठी डंडा हाथों में, सब लोग विकल हो निकल पड़े, ले लाठी डंडा हाथों में, अरे सब लोग विकल हो निकल पड़े, सब लोग विकल हो निकल पड़े, लाठी डंडा हाथों में, सब लोग विकल हो निकल पड़े, लाठी डंडा हाथों में, सब लोग विकल हो निकल पड़े, लाठी डंडा हाथों में, कर करता सब संग्राम किया, भाजपा नेता गण उछल पड़े, लाठी डंडा हाथों में, भाजपा नेता गण उछल पड़े, लाठी डंडा हाथों में, भाजपा नेता गण उछल पड़े, लाठी डंडा हाथों में। आखिरकार पूरे लोग सरकार से एक चीज मांगने लगे, कौन सी चीज मांगने लगे बाबू, कि घटना की जांच हो तुंद हुआ, घटना के जांच हो तुंद हुआ, घटना के जांच हो तुंद हुआ, सारा यूपी तब बंद हुआ, सारा यूपी तब बंद हुआ, सारा यूपी तब बंद हुआ, जोशी अडवाणी अटल खड़ा, जोशी अडवाणी अटल खड़ा, लाठी अडवाणी अटल खड़ा, लाठी डंडा हाथों में, जोशी अडवाणी अटल खड़े, लाठी डंडा हाथों में, जोशी अडवाणी अटल खड़े, लाठी डंडा हाथों में। पूरा उत्तर प्रदेश में हलचल मच गया। आखिरकार माननीय विधायक जी की लाश को बाबूजी यही काशी के तट पर अंतिम दाह संस्कार किया गया, लेकिन जगह जगह चक्का जाम किया गया, जगह जगह रोड जाम लोग करने लगे, आखिर उन विरोधियों के खिलाफ में कहने लगे लोग कि जो हत्या किया है माननीय कृष्णानंद राय जी के, उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, अंजाम निकलल का भैया। हाय जन जन के नेता रहले आप, जन जन के नेता रहले सब कर चहेता भैया, गोड़ाउर में जनता के हुजू मजू टलवाई, सज के जनाजा चलल काशी की नगरिया बाबू, पहुंचल कमेक्षा में जाई, कार्यकर्ता नेता संग में क्षेत्र के चहेता बाबू, गैल समसान हरिचंद्र घाट आई, सबसे पहले लाश उनके बनारस में आवास पर लाई गई, और आवास पर से बाबूजी देखें जितने नेतागण थे, आखिरकार हरिश्चंद्र घाट पर लोग लाश करके लेकर के पहुंचे।
आ जब लाश के लेके पहुँचलन हम ओ समय वहाँ देखे वाला लोगन के भीड़ लगल भाई भैया, श्रद्धा सुमन अर्पित करे वाला लोगन के भीड़ लगल बा। ऐसे कवि जी बात लिखलन है का, श्रद्धा सुमन अर्पित कर सब लोगवा बाबू, श्रद्धा सुमन अर्पित कर सब लोगवा भैया, दिहल अग्नि दान बड़का बेटा प्रवीण राई, लखनऊ विधान सभा मातमा मनावे दादा, लखनऊ विधान सभा मातमा मनावे बाबू, घटना के निंदा सारा देश करत बाई, घटना के निंदा सारा देश करत बाई, भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री राजनाथ सिंह, भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री राजनाथ सिंह धरना प्रदर्शन कैले बनारस में आई, दिहले मुलायम सिंह ये 11 लाख रुपया भैया, दिहले मुलायम सिंह ये 11 लाख रुपया दादा, लेकिन अलकराय दब दिहली ठुकुराई, लेकिन अलकराय दिहली पैसा ठुकुराई। ए बाबू, आखिरकार इस घटना को सुन करके उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह आए और अनिश्चित काल के लिए धरना पर बैठ गए। वहां कचहरी के सामने बनारस में बैठ गए, हंगामा शुरू हुआ, चक्का जाम हुआ, पूरे उत्तर प्रदेश में उत्तरांचल में हाहाकार मच गया, जगह जगह मारपीट शुरू, बगावत शुरू हो गई। आखिरकार भाजपा के लोग कहने लगे माननीय मुलायम सिंह से कि सीबीआई जांच कराया जाए। मुलायम सिंह ने माननीय विधायक जी कृष्णानंद राय जी के परिवार वालों को बुलाए और बुला करके 11 लाख रुपये का घोषणा किए। जब 11 लाख रुपया के घोषणा कैलन हम ए भैया हो, घर के लोग नकार दिए। अलकाराय आंख में आंसू लेके कहलिन कि ये साहब जब ये दुनिया में हमार सुहाग ना रहलन तो हम 11 लाख रुपया नहीं 11 करोड़ भी दे देबा तो का हमार सुहाग लौट के चली आई, हम के 11 लाख रुपया ना चाहिए, आप किसी और को दे दीजिए। ठुकरा दिया लोग, नहीं 11 लाख रुपये लिए। लेकिन ए भैया और सबका के जैसे कि जो बॉडीगार्ड सरकारी मरा था उसको 10 लाख रुपये का घोषणा किए मुलायम सिंह। खैर जहाँ तक पत्रिका में बात मिली लिखी गई, जब तक गाना लिखा गया, आखिरकार राजनाथ सिंह बाबूजी जो धरना दिए थे अपने धरना से उठ करके और न्याय रथ निकाले, न्याय रथ लेकर के चल दिए पूरे उत्तर प्रदेश में। न्याय रथ लेकर के आज बाबूजी राजनाथ सिंह जी घूम रहे हैं कि न्याय मिले। इस वक्त तक गाना लिखा गया था जब तक वो न्याय रथ लेकर के निकले थे, यहीं तक की कहानी मिली है। कवि जी बात लिखलन है का, कि आंसू पोछली अचरवा, ए भैया आंसू पोछली अचरवा, सबन के पगली अधिहली गंगा के कचरिया हो श्रद्धांजलि, महादेव का मंत्र मृत्युंजय पढ़कर किए प्रणाम, कर्मवीर की कर्म गति में गूंजे जय श्री राम, मांगी का सनुरवा के धोवे लगली, ए बाबू मांगी का सनुरवा के धोवे लगली, दिहली गंगा की कचरिया हो श्रद्धांजलि।
अंतिम लाइन रहल, कवि जी लिखलन है का, जय जखाड़ गुरु जद्दू लौटन डूब गए हैं गम में, कथन करे कवि अनुज लाल कहे आंसू बहे कलम से, ए बाबू धिकार धरती माई पपिया, ए भैया धिकार धरती माई पपिया, यादव ओम प्रकाश आंखों से आंसू ढारे, धिकार धरती माई पपिया।